बिलासपुर जिला के स्वारघाट उपमंडल के तहत ग्राम पंचायत री के गांव गरा में बने पोल्ट्री फार्म से फैल रही गंदगी से परेशान स्थानीय ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मामले का संज्ञान लेते हुए पोल्ट्री फार्म बंद करने की अपील की है। गौरतलब है कि गरा स्थित पोल्ट्री फार्म में नियमित रूप से साफ सफाई की उचित व्यवस्था न होने के चलते साथ लगती री गरा मोड़ू मोड़ा करमला बघेरी कटल व सनन पंचायत के ग्रामीण मक्खियों से परेशान है, जिसके चलते पूरे इलाके में हैजा बुखार दस्त जैसी बीमारी फैलती जा रही है और आने वाले समय में पूरे इलाके में महामारी के फैलने का डर भी बना हुआ है, जिसके चलते स्थानीय ग्रामीणों व पंचायत प्रतिनिधियों ने उपायुक्त कार्यालय परिसर पहुंचकर अतिरिक्त उपायुक्त डॉ. निधि पटेल को ज्ञापन सौंपकर मामले का कड़ा संज्ञान लेने की मांग की है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि पोल्ट्री फार्म गरा में सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, जिसके चलते आसपास की पंचायतों में मक्खियों का अंबार लगा हुआ है, जिससे घरों में रहना व खाना पीना दुश्वार हो चला है। साथ ही स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि इस पोल्ट्री फार्म के समीप प्राइमरी व हायर सेकेंडरी स्कूल भी है, जिसमें पढ़ने वाले छात्रों का स्वास्थ्य खराब होने की चिंता उनके परिजनों को सताने लगी है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि इस संबंध में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों व SDM स्वारघाट सहित मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1100 पर भी कई बार शिकायत दर्ज कराई गई है, मगर आज तक इस दिशा में कोई भी ठोस कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। डिप्टी कमिश्नर बिलासपुर से री पंचायत से लोग आए हैं और वहाँ पर ताराचंद मल्होत्रा जी का जो बहुत बड़ा पोल्ट्री फार्म है उसके खिलाफ पिछले 7-8 वर्षों से लोगों का भारी रोष है। वहाँ पर बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो पोल्ट्री का काम किया जा रहा है, उसकी जो गंदगी है, जो मुर्गों की वीट है वो बहुत भारी, वहाँ पर उसके लिए कोई स्टोरेज का प्रबंध नहीं है, उसका कोई और दवाई का छिड़काव नहीं है, उसको सैनिटेशन ठीक ढंग से नहीं हो रही है, उसका रखरखाव ठीक नहीं है, उसकी वजह से पूरे इलाका में बहुत ज़्यादा दुर्गंध फैल गई है, बीमारियां फैल गई है, वहाँ पर हैजा बुखार दस्त और इवन ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी का भी प्रकोप हो गया है। यहाँ तक कि ऐसा गांव वालों का एक कहना है कि जब भी हमारा कोई पब्लिक कोई फंक्शन होता है, कोई उत्सव होता है, कोई शादी ब्याह के मौके पर खाना पकाना होता है तो खाना पकाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि खाना खाने में वो मक्खियाँ पड़ती रहती है और उस वजह से खाना खिलाना भी और खाना पकाना भी बहुत मुश्किल है। और इसी वजह से हमारे नाते रिश्तेदार जो हैं लोगों के, वो इन उत्सवों के ऊपर परहेज़ करते हैं आने से। हमने कई मरतबा जिला प्रशासन को, यहाँ के लोगों ने जिला प्रशासन को, वहाँ के गाँव वासियों को लेकर के इस बात से अवगत कराया। हमने ताराचंद मल्होत्रा को कई बार आगाह किया, इवन पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के विभाग कंट्रोल बोर्ड ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है और उनको निर्देश दिए हैं कि मौके पर जाकर के इस समस्या का निवारण करें, अन्यथा किसी महामारी को एक बुलावा है। अब समस्या है पोल्ट्री फार्म पे, हमारे गांव में बहुत गंदगी है। इस पोल्ट्री फार्म को हम कोई 10 साल से कंप्लेंटें दे रहे हैं, जिला जिस मोहित को भी पहले दी हैं, SDM को भी दी हैं, 1100 नंबर पर तो दर्जनों ही कंप्लेंटें दे चुके हैं। प्रदूषण वाले आते हैं वहाँ, वो बोल कर चला जाते हैं हमारे को, हमारा वहाँ खाना रहना पीना दुर्लभ है। कुछ दिन पहले हमने वहाँ पर जाकर स्ट्राइक भी की, हम उनको लोगों को चिताया भी है पोल्ट्री फार्म में जाकर कि भाई इस गंद को उठाओ, टनों के हिसाब से गंद है वहाँ, जो कि बाहर में फेंक रखते हैं पोल्ट्री फार्म के अंदर भी गंद है इतना कि स्मेल बहुत दूर तक जाती है। हमारे को खाना पीना बीमारी फैल चुकी है गाँव में, अगर कोई जाए वहाँ वो टोटल बीमार है लोग, किसी को टट्टियाँ उल्टियाँ लगी हैं, किसी को इसकी बीमारी है, खारिश की बीमारी हो चुकी है, किसी को टीवी तक की बीमारी हो चुकी है लोगों को, लेकिन वहाँ कोई प्रशासन का सुनता नहीं। हम अभी कुछ दिन पहले SDM को भी दो दफ़ा ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं करता। हमारी जनाब से प्रार्थना है कि इसका जल्दी से जल्दी समाधान किया जाए। मैं प्रधान ग्राम पंचायत रही बहादुर सिंह जी, जो हमारी पंचायत जो पंजाब बॉर्डर के साथ लगती है गरा मोड़ा से, हम सुमत रखते हैं। हमारे वहाँ एक ज्योति मल्होत्रा के नाम से पोल्ट्री फार्म है, वहाँ ताराचंद मल्होत्रा के नाम से। हमारे जितने भी आसपास के वहाँ के गांव हैं, जैसे गरा है, मोड़ू है, री है, कटल है, सन्नड़ है, संदेड़ी है, मतलब वहाँ हमारा रहना भी बहुत कठिन हो गया है। हमें हम कोई वहाँ कोई फंक्शन नहीं कर सकते हैं, हमें मतलब शर्मिंदा होना पड़ता है, हमारे कोई वहाँ रिश्तेदार नहीं आ सकता है। हमने कई बार में प्रधानमंत्री के नाते मैं कई बार 3-4 बार गया भी है गांव वालों को साथ लेकर, लेकिन उसका कोई प्रॉपर समाधान नहीं हुआ है। फिर आज हम गरा और मोड़ू के गाँव वासी मेरे साथ आए हैं, हम आज जिला दीश महोदय को बिलासपुर
एक ज्ञापन देंगे और इसका कोई ना कोई हल ये निकाले, नहीं तो हमें मजबूर में कोई बड़ा आंदोलन करना पड़ सकता है जिसकी जिम्मेवारी ताराचंद मल्होत्रा फैक्ट्री की होगी या फिर जिला प्रशासन की होगी।